तो देखिए हम टॉपिक देख रहे हैं बैकियोल्स। प्लांट एनिमल सेल को स्टडी करते हुए हमने देखा कि सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनमें वैक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। एक्चुअली में वैक्यूल होता क्या है? वैक्यूल होता है एक बैग लाइक सिंपल बैग झोला। देखो जैसे हमने देखा था एनिमल सेल अगर ये है तो ये सबसे आउटर मोस्ट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर सेल के अंदर में ये फोल्डिंग हो गई तो सेल ऑर्गेनल्स बनने शुरू हुए। तो ये सबसे पहले फोल्डिंग हुआ दिखाई दे रहा है कि जरूर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इनमें से कुछ इनफोल्डिंग टूट गई तो ये देखिए बन गया क्या गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी में से ये मैच्योरिंग फेज से कुछ ऑर्गेनल्स निकले जो कि बाद में क्या है मेम्ब्रेन के वर्ग का वर्ड है। तो अब वो मेम्ब्रेन के अंदर में खाली जगह भी हो सकती है, मेम्ब्रेन की जगह अंदर फूड हो सकता है। अब मेम्ब्रेन झोला, जैसे हम लोग घरों में झोला देखते हैं तो झोला अगर उस झोले के अंदर में सब्जी रख दो सब्जी वाला झोला, अगर उस झोले के अंदर में कपड़ा रख दो कपड़ा वाला झोला, किताबें रख दो किताबों का, यानी कि ये क्या है ये वैक्यूल्स सिंपली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जनरली बैग लाइक स्ट्रक्चर जो चीज इसके अंदर में भरा जाएगा और वही वही इसके अंदर में पाया जाएगा, जो भरा जाएगा उसी से हम इसे कहेंगे कि इससे ना पड़े। तो ये होते क्या बैग लाइक सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस ये मेम्ब्रेन के बने हुए हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो मेम्ब्रेन के बने हुए बैग लाइक। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मान लो इसके अंदर में ये सैप अगर लिक्विड भर जाए, इसके अंदर में अगर लिक्विड भर जाए किसी बैग में तो हम उसे कहेंगे सैप वैक्यूल। सैप मतलब होता है सेल के अंदर में जो लिक्विड होता है उसके अंदर में कुछ चीज घुला हुआ हो सकता है, चाहे वो मिनरल हो सकता है, सुगर हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट ग्लोब्यूल्स हो सकता है, और वाटर के साथ ये एक लिक्विड बना देगा उसको सेल सैप कहेंगे। और ये सेल सैप जिस झोले के अंदर जिस बैग के अंदर जिस सैप के अंदर पाया जाएगा हम उसे कहेंगे सैप वैक्यूल्स। अब ये सैप वैक्यूल्स होता क्या है फ्लूड फिल्ड होता है। अगले बार ये एनिमल सेल में देखा जाता है तो स्मॉल होते हैं, ये एनिमल सेल होगा छोटे छोटे, क्यों क्योंकि सेंटर में तो न्यूक्लियस पाया जाता है तो छोटे छोटे स्मॉल पेरिफेरल होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में ये देखा जाता है कि ये सेंटर में पाए जाते हैं और लार्ज होते हैं, सिंगल लार्ज सेंट्रल इन प्लांट सेल। इनका काम क्या है सेल को रखना। अब वो फूड वैक्यूल कंटेन फूड, फूड वैक्यूल के अंदर में फूड है, जैसा कि हमने अमीबा में देखा था कि अमीबा कुछ भी इंजेस्ट करता है तो उसे एक मेम्ब्रेन में कवर कर देता है, स्यूडोपोडिया कवर कर लेता है, वो एक वैक्यूल बन जाता है फूड वैक्यूल फैगोसोम्स। तो वो फूड वैक्यूल सिंगल सेल एनिमल अब एक और ये भी है कि गैस वैक्यूल एयर वैक्यूल, अगर केवल गैस पाए उसके अंदर हवा है वो सीधे वो क्या करता है बॉयंसी देकर के सेल से मेंटेन करने का भी काम करता है, और कुछ भी नहीं हो तो खाली हो तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फूड में कन्वर्ट हो सकता है, फ्लूड में कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी सैप वैक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। ये जनरली देखा जाता है इट ऑफर्स इन फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो सीधी सीधी बात बहुत सारी बातें नहीं, वैक्यूल्स क्या होता है तो वैक्यूल्स एक सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर एक झोला है, स्टोरिंग जगह है जहां वेस्ट मटेरियल एयर वाटर पेपर एयर हो सकता है फ्लूड हो सकता है सॉलिड सब्सटेंस कुछ भी स्टोर हो सकता है। कितने तरह के होते हैं उसके अंदर के सब्सटेंस के नाम जान लो उसके अनुसार पाए जा सकते हैं, एयर वाला हो सकता है लिक्विड है तो सैप वाला हो सकता है सॉलिड फूड वाला हो सकता है या कुछ भी नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं फंक्शन ऑफ द वैक्यूल।
तो फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स हम देख रहे हैं, वैक्यूल्स बेसिकली होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसका मेजर काम होता है स्टोर करना, और कुछ और भी काम होते हैं। तो इसके फंक्शन में सबसे पहला स्टोरेज, ये अपने अंदर में सेल के अंदर पाए जाने वाले एक्स्ट्रा कुछ को भी स्टोर कर लेता है, साल्ट को स्टोर कर लेगा, शुगर को स्टोर कर लेगा, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, अदर जितने भी हो एक्सेट्रा, इन सबको स्टोर करने का काम करता है। दूसरी बात है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि वाटर के कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करना। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और यहां वाटर से मतलब है वाटर एक्स्ट्रा हो गया तो बाहर निकाल देगा। तो ऑस्मोरेगुलेशन जब ये सैप वैक्यूल्स बनता है तो एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेता और उसे सेल के बाहर ले जाकर के फेंक देगा। अगर कम है तो उस स्टोर वाटर को फिर सेल में भेज देगा, यानी सेल को जब पानी की जरूरत पड़ती है तो उसे ये सैप वैक्यूल्स वाटर सप्लाई कर देता है, और अगर वाटर ज्यादा हो जाए तो ये सैप वैक्यूल उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इस तरह से ये ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है, और पानी को शरीर से सेल के बाहर निकाल करके डिस्पोजल करने में भी मदद करता है, इस तरह से ये एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। अब क्या होता है, सेल के अंदर में कई बार वेस्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये सेल के फिजियोलॉजी रिएक्शन से पैदा हो सकता है, या कोई पार्ट वॉर्न आउट हो जाए, खत्म हो जाए, टूट फूट जाए, उन सबको ये स्टोर कर लेगा और सेल के बाहर ले जाकर के फेंक देगा। देन इट इज गॉट वो वेस्ट डिस्पोजल, और वैक्यूम इज हेल्पफुल इन द सेलुलर वेस्ट डिस्पोजल। अब अमीबा में फूड वैक्यूल ही फूड डाइजेशन का काम करता है। क्या होता है कि अमीबा, जब भी अमीबा के पास कोई फूड आता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है स्यूडोपोडिया और इसे घेर लिया, और ये पीछे से जुड़ गया ये स्यूडोपोडिया और ये बन गया फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में लाइसोसोम जाकर के फैगोसोम बना देता है और इसके अंदर में इसे फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो इन अमीबा सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन इन फूड वैक्यूल। अब कई बार प्लांट के अंदर में सेंट्रली वाटर में सैप वैक्यूल पाया जाता है, और सैप वैक्यूल लगातार पानी से भर जाने के कारण ये फूल जाता है। फूल जाना माने टर्जिड हो जाता है, जिसके कारण ये फूल जाएगा तो सेल हिल डुल भी नहीं सकता है, सेल हो जाता है रिजिड। तो ये सेल को टर्जिडिटी उसके शेप में प्रोवाइड करता है, जिसके कारण प्लांट में जनरली उनका सेल फिक्स होता है। प्लांट में सेल फिक्स होने के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला उनका सेल वॉल डेड है, हार्ड है, रिजिड है, इसके कारण एक्सटर्नली उसका सेल बिगड़ने वाला नहीं है, और अंदर से सैप वैक्यूल सेंट्रली सिंगल सेंट्रली लार्ज सैप वैक्यूल एक टर्जिड बनाए रखता है, उसे रिजिड बनाया जा सकता है, जिसके कारण सेल बना रहता है। इन दोनों कारणों से प्लांट का सेल सेप बना रहता है। तो ये हमारे वैक्यूल्स का। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के बाद हम कुछ डिफरेंस देखेंगे प्लांट के सेल के ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यहां पर हमने देखा अभी फंक्शन सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म है। देखा ही जाता है कि सेंट्रोसोम इज जनरली फाउंड इन एनिमल सेल एंड लोअर प्लांट सेल। जनरली सीधे सीधे कह दिया जाता है कि ये एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ लोअर प्लांट सेल में ये पाया जाता है। रिमेन एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स, लेकिन बड़े बड़े प्लांट जो हायर प्लांट है जियोसोम जिम्नोस्पर्म फाइटोप्लांट, उनके प्लांट सेल में ये एब्सेंट रहता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ये बना हुआ किसका है, कुछ इस तरह से स्फीयर लाइक, दो स्फीयर है, ये देखो दो स्फीयर। अब ये स्फीयर भी फाइबर्स के बने हुए हैं, माइक्रो फाइबर्स के, और ये जो है ये भी स्फीयर माइक्रो फाइबर्स के बने हुए हैं, इनका ये बना होता है।
तो क्या इसके आउटर में, आउटर में कुछ साइटोप्लाज्म की कवरिंग देखने को मिलती है। आउटर साइटोप्लाज्म कवरिंग इज गॉड, हियर इज गॉड, आउटर साइटोप्लाज्म कवरिंग इज गॉड। सेंट्रोस्फीयर, इसे सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है, तो बाहर की कवरिंग सेंट्रोस्फीयर। अब ये पूरा सेंट्रोसोम जनरली बना रहता है टू माइक्रोसिलेंडर्स के, दो छोटे छोटे सिलेंडर्स के, और ये जनरली 90 डिग्री भी होता है। तो एट राइट एंगल, ये राइट एंगल पे होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। तो ये बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें और भी डिटेल में हम जा सकते हैं, बट टाइम क्लास के लिए हमें यही जानना है। इट इज फाउंड इन एनिमल्स से, रिमेन एब्सेंट इन प्लांट से, फॉर्म्ड ऑफ द सेंट्रियोल्स एंड फ्लोर ऑफ द सिलेंडर्स, रिमेन 90 डिग्री, सेंट्रोस्पोर, इसका साइटोप्लाज्म की कवरिंग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, और इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। करता क्या है ये, प्लांट सेल के अंदर में सेल डिवीजन करने में मदद करता है। कैसे, फॉर्म्स एस्ट्रल रिंग। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम सेंटर में प्लेट पे आकर के सज जाते हैं, तो ये सारे क्रोमोसोम ये पीछे एक रे के द्वारा इस जगह दोनों पोल पर सेंट्रियोल से जुड़ जाते हैं। इस जगह को एस्टर, एस्टर टाइप ऐसा देखा, तारे की तरह दिखता है, और एक रे निकले होते हैं जिससे कि सारा क्रोमोसोम जुड़ा है, इसे ही कहते हैं एस्ट्रल रे। अब इन रेज को बनाने का काम सेंट्रोसोम करता है। तो सेंट्रोसोम एनिमल में है, प्लांट में एब्सेंट है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ये सेल न्यूक्लियस बनने के दौर के पहले के सेल। यू मतलब साथ, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ये सेल न्यूक्लियस के साथ है, यानी न्यूक्लियस डेवलप्ड होते हैं। यानी इस तरह के सेल में न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, हम कहेंगे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड हियर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह के सेल जो होते हैं जनरली वेरी स्मॉलर होते हैं, ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल सेल है, बैक्टीरिया वगैरह जो है, और ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, जनरली लार्जर। यहां पर क्या है, विथ विदाउट विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डिफाइंड न्यूक्लियस, और यहां पर क्या है, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, यहां क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड। तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इज नॉट फाउंड गलत हो गया, यहां इज नॉट फाउंड तभी तो वेल डिफाइंड नहीं है, और यहां पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया था, साथ ही क्या क्या नहीं पाया था, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया था, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नॉट फाउंड, और यहां पर क्या है, न्यूक्लियोलस इज फाउंड, इज फाउंड। साथ में ये न्यूक्लियस के बनने के पहले के दौर के, तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल भी न्यूक्लियस के बाद वाले, यानी डबल मेम्ब्रेन वाले नहीं पाए जाएंगे, सिंगल वाले हो सकते हैं, यहां डबल मेम्ब्रेन वाले पाए जाते हैं। तो यहां क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन
membranous cell organelle remain absent. और यहां पर क्या होएगा? पाया जाता डबल membranous cell organelle remain are found. यहां पाया जाता. और भी क्या बात है? राइबोसोम जो यहां पे है ना, वो 70S राइबोसोम पाया जाता है और वही यहां 80S राइबोसोम पाया जाता है. 70S राइबोसोम 50S 30S का बना हुआ है और 80S राइबोसोम 60S और 40S का बना हुआ है. यहां S का मतलब होता है स्पेंडबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है. 70S राइबोसोम्स आर फाउंड और यहां पे पाया जाता है 80S राइबोसोम्स आर फाउंड. तो 80S राइबोसोम्स पाया गया, 70S राइबोसोम्स पाया गया. ब्रॉडली और भी बहुत सारे हैं बट नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड के लिए इनफ. हाँ, तो हम यहां देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में जाती है सेल वॉल के बारे में. एनिमल सेल में सेल वॉल इज नॉट फाउंड, लेकिन प्लांट में सेल वॉल इज फाउंड. सेल वॉल पर एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल के बाद हम लोग देखते हैं प्लास्टिड. प्लास्टिड भी यहां नहीं पाया जाता. प्लास्टिड इज नॉट फाउंड और यहां पर प्लास्टिड पाया जाएगा इज फाउंड. प्लास्टिड भी हमने देखा. अब इसके बाद हम वैक्यूल्स देखते हैं. प्लांट सेल में सिंगल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल मेनी पेरिफेरल वैक्यूल पाया जाता है. स्मॉल मेनी पेरिफेरल वैक्यूल्स आर फाउंड. यहां क्या होता है? सिंगल सेंट्रल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट. सब चीज इसमें एब्सेंट. क्या उसमें? सेंट्रोसोम इज फाउंड और यहां क्या कहेंगे? एब्सेंट पर लोअर में कुछ पाया जाता है, तो यहां क्या होगा? सेंट्रोसोम इज एब्सेंट एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट. तो ये हो गया सेंट्रोसोम इज फाउंड और सेंट्रोसोम इज नॉट फाउंड एक्सेप्ट इन सम लोअर प्लांट. न्यूक्लियस के में भी देखा जाए तो एक खास तरह का रहता है. एनिमल का न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड और प्लांट का न्यूक्लियस पेरिफेरल, क्योंकि सेंट्रल में तो वैक्यूल्स आ जाता है. तो यहां क्या होगा? न्यूक्लियस इज फाउंड इन सेंटर और यहां क्या होगा?
न्यूक्लियस इज फॉर्म एट पेरीफेरी में पाया जाएगा, किनारे पाया जाता है। अब सेंट्रली वहां पर क्या प्लांट में क्या पाया जाएगा? वैक्यूल। बाहर में है सेल वॉल, अंदर में है वैक्यूल जो कि रिजिडिटी देगा, सेल वॉल भी रिजिडिटी देगा। इसीलिए प्लांट से जनरली रिजिड होते हैं और एनिमल से फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल। और ये क्या होएगा? इट इज रिजिड। ये होएंगे रिजिड पिक्चर के होते हैं। और एक चीज बहुत सारा हो गया, लेकिन अब फूड के मामले में देखा जाता है कि प्लांट सेल जनरली फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है प्लांट सेल, वेयर एज एनिमल सेल एज ए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करता है। तो स्टोरेज प्रोडक्ट क्या? स्टोरेज सुगर यहां है इज ग्लाइकोजन और यहां स्टोरेज सुगर है। सुगर इज स्टार्च। हियर स्टोरेज सुगर इज ग्लाइकोजन एंड हियर स्टोरेज सुगर इज स्टार्च। दीज आर इनफ पॉइंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल सेलवॉल इज नॉट फाउंड, प्लांट सेल सेलवॉल इज फाउंड। प्लास्टिड is not formed, plastids is formed. Small, many peripheral vacuoles are formed. Single central vacuole is present. Centrosome is found in animals. Except this is very important point. सभी कुछ प्लांट में होता है, लेकिन ये वजह एनिमल में होता है। Centrosome is absent. Nucleus is found in the center. Nucleus is found at the periphery. It is flexible. It is rigid. स्टोरेज सुगर क्या है यहां? ग्लाइकोजन। स्टोरेज सुगर इज स्टार्च। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।